नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस ने सुषमा और वसुंधरा राजे से मांगा इस्तीफा, प्रदेश भर में कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। बेटी के हत्यारों को पकड़ने की मांग, जांच अधिकारी बदलने पर आठवें दिन अनशन खत्म। नोहर में न्याय आपके द्वार शिविर अवलोकन करने पहुंचे कलेक्टर रामनिवास। पार्षद के घर पर हमला करने वाला फरार आरोपी पुलिस की पकड़ में, कोर्ट में पेश कर लिया तीसरी रिमांड। अब समाचार विस्तार से। देश का भगोड़ा ललित मोदी का सहयोग करना भाजपा नेताओं के लिए भारी पड़ने लगा है। साल भर से खामोश कांग्रेस को जैसे बड़ा मुद्दा मिल गया और पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा मांगा है। इसी के तहत शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। मोदी सरकार पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। देश का भगोड़ा घोषित ललित मोदी का सहयोग करना न सिर्फ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भारी पड़ रहा है, बल्कि केंद्र सरकार भी कटघरे में आ गई है। कांग्रेस ने इस मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए दोनों नेताओं से इस्तीफे की मांग की है। शुक्रवार को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। भारत सरकार की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी द्वारा भारत सरकार के अपराधी ललित मोदी की गैर कानूनी रूप से की गई मदद के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा राजे जी की इस्तीफे की मांग को लेकर कल सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन धरना करके सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा राजे जी का पुतला फूंका जाएगा। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा नेताओं ने अवैधानिक कृत्य किया है और यह जनता के साथ धोखा है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान जनसभाओं में काला धन वापस लाने का वादा कर रहे थे और दूसरी तरफ सत्ता में आते ही काले धन वालों की मदद की जा रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दादरी ने आरोप लगाया कि यह भाजपा का असली चेहरा है जो पूरी तरह बेनकाब हो गया। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए सरकार को मजबूर करेगी। जब से ये प्रकरण सामने आया है, भाजपा सरकार द्वारा या भाजपा पार्टी द्वारा इन दोनों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करना तो दूर, उल्टा इस गैर कानूनी कृत्य के पक्ष में भाजपा पार्टी और भाजपा सरकार इनकी मदद कर रही है। एक तरफ लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी काला धन विदेशों से वापस लाने की बात कर रहे थे और आज वही ललित मोदी जो विदेशों में भारत का धन लेके गया है और उस भगोड़े के की मदद करने वाली मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री के मामले में आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और भाजपा कोई कार्रवाई करती नहीं दिखाई दे रही। इसलिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होते हुए कांग्रेस का धर्म है कि लोकतंत्र के अंदर हम इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करें। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को होने वाले प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस की महासचिव रेहाना रियाज और सह प्रभारी हरविंदर सिंह भी शिरकत करेंगे। दादरी के मुताबिक कांग्रेस पहले से कहती आ रही है ललित मोदी और वसुंधरा राजे में कोई फर्क नहीं, लेकिन लोग इसे राजनीतिक बयान मानते थे। आज खुद मोदी ने कह दिया तो लोगों को पता चला है। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा राजे जी का पुतला फूंके इस्तीफे की मांग की जाएगी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी महामंत्री रेहाना रियाज जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी सचिव हरजेंद्र सिंह जी उपस्थित रहेंगे और मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ जिले के सभी कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस जनों के साथ कल 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुंचें और भाजपा पार्टी जो अपने दूसरी तरफ भाजपा ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिला तो यह मुद्दा लेकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। कांग्रेस इस मसले पर राजनीति कर रही है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है
और लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही ये होता है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा करके प्रस्तुत करना और एक प्रकार का वातावरण खराब करना। कांग्रेस अपने आईने में झांके, उनके शासनकाल की कितनी घटनाएं हैं, पूरा जवाब दिल्ली में और जयपुर में दिया जा चुका है। इसके लिए हमारे प्रवक्ता पदाधिकारी तय किए गए हैं, बराबर टीवी पर उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब कांग्रेस को जो करना है, क्योंकि कांग्रेस बौखलाई हुई है और छोटे छोटे मुद्दे उनको चाहिए, इसलिए कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दादरी भाजपा के आरोप को नकारते हुए कहते हैं कि जब ललित मोदी ने खुद कह दिया कि वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज ने उनकी पैरवी की, तो फिर कुछ कहने के लिए क्या रह गया? क्या किसी देशद्रोही का साथ देना उचित है? द्वारा आज विदेशी काले धन को, विदेशी भारतीय मुद्रा को जो है लंदन के अंदर लेके गया ललित मोदी, और कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आई थी कि वसुंधरा राजे और ललित मोदी, जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो ललित मोदी सरकार को चला रहे थे, और वसुंधरा राजे और ललित मोदी ने मिलके राजस्थान से जो पैसा लूटा था, उस पैसे को लंदन में सुरक्षित करने के अंदर वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज जी ने जो मदद की है, उसका कांग्रेस पार्टी पर्दाफाश करके रहेगी। कुछ भी हो, कांग्रेस इस मसले को आसानी से नहीं छोड़ेगी। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि अगर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ने इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस देश भर में आंदोलन तेज करेगी और भाजपा को इसके लिए मजबूर कर देगी। और जब तक ये दोनों इस्तीफा नहीं देंगी, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे इसी तरह से प्रदर्शन धरने करती रहेगी। एक तो बेटी चली गई और अब हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस के सामने अनशन करना पड़ रहा है। जी हाँ, यह दर्द है मनोहर लाल नामक शख्स का। आठवें दिन गुरुवार को मनोहर लाल का अनशन खत्म हुआ। एएसपी महेंद्र हिंगोनिया ने अनशन स्थल पर जाकर जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। एसपी ने भादरा के एएसपी से मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 8 दिन से अनशन पर बैठे थे मनोहर लाल। उनकी बेटी इंदिरा की ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और आखिर में उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ 2 आरोपितों को पकड़ा और बाकी को छोड़ दिया। यहां तक साक्ष्य और सबूत भी नष्ट किए गए। ऐसे में पिता ने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय के सामने अनशन शुरू कर दिया। गुरुवार को एएसपी महेंद्र हिंगोनिया अनशन स्थल पहुंचे और उन्होंने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। एएसपी के मुताबिक एसपी शरद कविराज ने मामले की जांच भादरा एसपी को सौंपा है। प्रकरण की अग्रिम जांच एसपी साहब हनुमानगढ़ ने एडिशनल एसपी साहब भादरा को दिए। वो जांच करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अनशन ये खोल रहे हैं एसपी साहब से बात होने के बाद में। एसपी, ये एडिशनल एसपी साहब आए हैं, इन्होंने कहा है कि अभी हम ये जांच चेंज करके और भादरा एडिशनल एसपी को दे रहे हैं, देखते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से अपनी निष्पक्षता और सही जांच करके मुलजिमों को जेल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते, या उसी डरे पे आगे चलते रहेंगे, ये आगे की बात। अगर ये नहीं जांच करेंगे तो फिर आगे हमारा अगला स्टेप फिर से जारी रहेगा। नोहर के भुकरका में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर रामनिवास शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने शिविर के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोहर के निकटवर्ती गांव भुकरका में आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर का गुरुवार को जिला कलेक्टर रामनिवास ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांव के अटल सेवा केंद्र में आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी न्याय मिले। इस मंशा के अनुरूप न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान उपखंड स्तर के अधिकारी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निदान करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर नोहर एडीएम सुखवीर सिंह, एसडीएम प्रभुदान चारण, पंचायत समिति प्रधान अमर सिंह पुनिया, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, सरपंच धर्मपाल ढील, सचिव राकेश दीक्षित सहित अनेक जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे।
परिवार शुरू में है, खासतौर से जो काम किए जा रहे हैं वो जो पुराने दावे हैं उनका निस्तारण है और पक्षकारों के मध्य जो समझौता होकर के जो खातों का बंटवारा है उनको भी किया जा रहा है। खातों में कोई दुरुस्ती करने काबिल कोई केस है तो उनका भी मौके पर निपटारा किया जा रहा है। साथ ही ये जो कई बार अपने परिवार में जो विवाद होते रहते हैं जमीन को लेकर के, खासतौर से बंटवारे को लेकर के, उनसे काफ़ी राहत मिली है। काश्तकारों को अपने आप से समझौता और समझाइश करके ये जो काम किए जा रहे हैं वो वास्तव में किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। ओचन इलेक्ट्रॉन से एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी जो मशीनरी है जो काम कर रही है फील्ड में, उसमें थोड़ा काम में गति आती है और थोड़ा उनको लगता है कि इनके काम को देखा जा रहा है। इससे निश्चित रूप से अच्छे इसके परिणाम सामने आते हैं। मैंने इसी रेफरेंस में आपके नोहर में ये निरीक्षण किया है। अभी मैं भादरा भी मैं निरीक्षण करने जा रहा हूँ तो हमारी जो मशीनरी काम कर रही है, रेवेन्यू मशीनरी काम कर रही है और जो मशीनरी फील्ड में काम कर रही है, हम चाहते हैं काम ज़्यादा से अच्छा काम करें और लोगों को ज़्यादा सेवाएं दें। पार्षद परमजीत कौर के आवास और उनके ससुर हरकमल सोनी के दफ्तर पर हमला करने के आरोपी तरुण बंसल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तरुण को बठिंडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। पार्षद परमजीत कौर के आवास और उनके ससुर हरकमल सोनी के दफ्तर पर हमला करने के आरोपित तरुण बंसल को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। पुलिस ने भटिंडा के पास से फरार आरोपी तरुण को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक बाकी आरोपितों को भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। इससे पूर्व गिरफ्तार पांचों आरोपियों को जेसी कर दिया गया। 27 फरवरी को पार्षद के घर और दुकान पर जो हमला हुआ था उसमें जो मुलजिम तरुण बंसल वांटेड चल रहा था उसको कल आईओ ने बठिंडा के पास से पकड़ करके गिरफ्तार किया है, जिसको आज कोर्ट में पेश करके पीसी रिमांड लिया गया है। 5 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं जो आज जेसी हुए हैं, इसको इस प्रकरण में आज पीसी रिमांड पर लिया तफ्तीश जारी। हाँ, 3-4 मुलजिम और बाकी है जो बठिंडा से उसके लुधियाना साइड के हैं जिनके बारे में आइए 2-3 बार जाके आए लेकिन मिले नहीं है, किसी का नाम पता पूरा नहीं मिल पाया तो किसी का घर का एड्रेस कन्फर्म नहीं हो पाया, तलाश जारी है उनकी। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। दुर्गा देवी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित संस्था राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जहाँ पर BA, BCom, BCA, BBA की शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विशाल बिल्डिंग वाली शिक्षण संस्थान है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, अनुभवी एवं उच्च योग्यताधारी विख्याता, शांत एवं प्रदूषण मुक्त खुला वातावरण, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, खेल गतिविधियों हेतु 110,000 वर्ग फीट का विशाल स्टेडियम, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाला जिले का प्रथम महाविद्यालय, प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का प्रथम महाविद्यालय है जहां हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र छात्राओं के लिए अलग से कक्षाएं चल रही है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में वृद्धि हो रही है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में 2 नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, MA अर्थशास्त्र एवं MA पंजाबी। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ, MSc बॉटनी, MSc कंप्यूटर साइंस, MCom ABST, MA जियोग्राफी, MA सोशियोलॉजी, MA पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट,
आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा MA ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही है। माता किताब कोर ITI NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली QCI एफिलेटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व CCTV कैमरा से युक्त क्लासरूम, बीकानेर संभाग की एकमात्र ITI, यहाँ CNC मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कोर ITI कैंपस 14 SSW कोहला टोल नाके के पास मेगा हाईवे हनुमान। सिविल लाइंस में दिनेश कुमार के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपी चंडावाली और एक पकासाना का रहने वाला है। सिविल लाइंस में दिनेश कुमार के मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। ASI गिरधारी लाल ने बताया कि चारों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची थी। ASI ने बताया कि चंडावाली निवासी पप्पा सिंह दिनेश कुमार के मकान के पास ही हो रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करता था। करीब 6-7 माह तक पप्पा सिंह ने वही मजदूरी कार्य किया। इस दौरान उसने दिनेश कुमार के घर को भांप लिया। पप्पा सिंह जान गया था कि दिनेश कुमार प्रतिदिन सुबह अपने ड्यूटी जाते हैं और शाम को लौटते हैं। उनके पीछे उनकी बुजुर्ग पत्नी घर पर अकेली रहती है। मजदूरी कार्य छोड़ने के बाद उसने अपने दोस्त जंडावाली निवासी महेंद्र सोनी, रणजीत मेघवाल और पकासाना निवासी धर्मवीर को इसकी जानकारी दी और चोरी की वारदात की साजिश रची। इसके बाद मौका देखते ही ये चारों आरोपी दिनेश कुमार के घर पहुंचे और दिनेश कुमार की पत्नी साधना को डरा धमकाकर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं पिछले दिनों टाउन पुलिस द्वारा चोरी के एक मामले में धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान धर्मवीर ने सिविल लाइंस में चोरी करना कबूल किया। इससे पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पप्पा सिंह पीछे रुक गया और ये तीनों महेंद्र, सनोप कृष्णलाल सोनी निवासी जंडावाली, रणजीत सनो मनोहर लाल मेघवाल निवासी जंडावाड़ी और धर्मवीर उर्फ बाला सनो ओम प्रकाश सोनी, ये पक्का साड़ना गया। ये तीनों गए घर में उसके गुस्से दिनेश जी के, और घर में वो बुजुर्ग महिला साधना अकेली थी। इन्होंने क्या है कि उन जाते ही गेट अंदर से बंद करके और उस महिला को डराया धमकाया, उसके हाथों में पहने सोने चांदी के गहने वगैरह, और उसको डराया कि भाई और बताओ। तभी उन्होंने बता दिया अलमारी में ऐसे वगैरह है, सोना चांदी गहने वगैरह हैं। तब उन्होंने नकदी और गहने लेकर के फिर हो गए। अब इनको पप्पा सिंह को पूछताछ पे ये बात सामने आई है, और पहले इनको धर्मवीर को एक मुकदमे में टाउन थाने में गिरफ्तार किया था, उसमें उसने पूछताछ भी बताई थी। मैं तो धर्मवीर को पकड़ा था ना पहले टाउन थाने में, 400 ये वो टायर चोरी का मामला था। इसने को टायर चोरी का मामले में टायर खरीदे थे चोरी के, तब धर्मवीर को गिरफ्तार किया था। तो इसने पूछताछ में ये बात स्वीकार की थी कि भाई हम इस तरीके से चारों आदमियों ने सिविल लाइन में ये वारदात ये की है। राजकीय जिला अस्पताल में करीब 3 करोड़ की लागत से बना MC सेंटर सिर्फ
इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि अब तक स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा को उम्मीद है कि स्टाफ उपलब्ध होते ही सेंटर का संचालन शुरू हो जाएगा। यह है जिला चिकित्सालय परिसर स्थित मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट। सुरक्षित प्रसव व शिशु मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से इसके निर्माण की आवश्यकता जताई गई थी। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से इसका संचालन शुरू नहीं हो पा रहा। एमसीएच सेंटर हमारा तैयार है, उसमें पूरी निर्माण कार्य हो गया, इक्विपमेंट सब आ गए हैं, लग गए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उसको अभी शुरू नहीं किया जा सका। अभी जो इधर हमारे एमसीएच सेंटर जेएसएस के वार्ड और एसएनसीयू चल रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास स्टाफ है वो सारा इधर लगा हुआ है, ये काम चल रहा है। क्योंकि चिकित्सालय वैसे भी स्टाफ बहुत कम है, 47 पोस्ट सेकेंड ग्रेड नर्स खाली हैं, इसलिए उधर उसको शुरू नहीं किया जा सकता। उसको शुरू अगर हो जाता है तो, क्योंकि उसमें सिर्फ वो इसी के लिए बनाए 60 उसमें सीट हैं, 60 सीट्स हैं, तो मदर एंड चाइल्ड के लिए है, तो आइसोलेटेड उनका ही होगा, उनकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वहीं उनका लेबर रूम है, तो ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर्स के चैम्बर हैं, वार्ड हैं और एसएनसीयू आईसीयू सारे उसमें बने हुए हैं, तो उससे बेहतर मरीजों को सुविधा मिल पाएगी। हमने इस बारे में कई बार लिखा है राज्य सरकार को और निदेशालय को, इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करें, और जब नई रिक्रूटमेंट होगा तो हमें उम्मीद है कि यहाँ स्टाफ मिलेगा तो हम उसको शुरू करेंगे और जनता को बेहतर इसकी सुविधाएं दे पाएंगे। जिला अस्पताल में फिलहाल रोजाना औसतन 10 या 12 महिलाओं की डिलीवरी होती है, इसमें औसतन 3 प्रसव ऑपरेशन से हो रहे हैं। ऐसे में सर्जन दूसरे मरीजों की सर्जरी नहीं कर पाते, यानी काम प्रभावित होता है। अगर सेंटर पर काम शुरू हो जाएगा तो सर्जन दूसरे मरीजों को राहत दिला सकते हैं। करीब 10 से 12 तक औसतन डिलीवरियां होती है रोज, और 3 सीजरियन का रोज होते हैं रोजाना, मतलब औसतन 3 सीजरियन रोज होते हैं, कभी कभी 6 या 7 सीजरियन तक भी होते हैं। तो इस यहाँ ये सब होने की वजह से दूसरी जो सर्जरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कंटिन्यूस थिएटर चलता रहता है, सेपरेट जब अगर हो जाएगा तो उधर ही उनका सारा चलता रहेगा, तो दूसरी सब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा के मुताबिक 3 करोड़ की लागत से बने सेंटर में 60 बेड की सुविधा होगी। इसमें अलग से ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, आईसीयू और नर्सरी सहित अल्ट्रासाउंड सेंटर व रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाया गया है। इसके संचालन के लिए अस्पताल को कम से कम 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ की जरूरत होगी, वहीं करीब 20 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, इक्विपमेंट्स वगैरह और बिल्डिंग सारी तैयार है, अच्छी बिल्डिंग बनी है, देखा है। और उसमें क्या क्या रूम बनाएंगे, जैसे क्या क्या अलग से? उसमें डॉक्टर्स चैम्बर हैं, स्टाफ के लिए चैम्बर है अलग से, ऑपरेशन थिएटर है, बिल्कुल बढ़िया ऑपरेशन थिएटर है, लेबर रूम है, वेल इक्विप्ड लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और आईसीयू, एसएनसीयू बच्चों के लिए, ये सब बेहतरीन व्यवस्था है बैठने की, मरीजों को देखने की, मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा के मुताबिक स्टाफ के लिए सरकार को लिखा है, स्टाफ की व्यवस्था होते ही संचालन शुरू हो जाएगा, इससे मरीजों को राहत मिलेगी। नहीं, पोस्ट सेंक्शन नहीं हुई है, वो जो डॉक्टर अभी उपलब्ध हैं वही हैं और वही पोस्ट हैं, जेएसएस वही में 10 स्टाफ हैं और एसएनसीयू में 8 स्टाफ की सेंक्शन है, उसी के उसके लिए और लिखा जाएगा अभी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, गायनी डिपार्टमेंट में और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम बहुत ज़्यादा है, और हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर बिजानिया ने जो एसएनसीयू बना रखी है, आप उसको देखें तो लगेगा नहीं कि आप इस अस्पताल का ही पार्ट है। इसी तरह से डॉक्टर विनोद कटारा ने एमटीसी जो बना रखी है शुरू, जो बेहतरीन माल न्यूट्रिस्ट चाइल्ड को जो बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, हमारी ये इच्छा है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट भी इस तरह के हों ताकि उनको जनता को बेहतरीन सुविधाएं दे सकें। इसके लिए निदेशालय को चिकित्सकों के लिए और स्टाफ के लिए लिखा है पहले भी और भी लिखा जाएगा। सिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर रामनिवास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तिलक सर्किल से लेकर करनी चौक तक क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण की स्वीकृति मिली है। इस निर्माण कार्य पर करीबन 1 करोड़ 49 लाख की लागत आएगी।
सिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के दौरान तिलक सर्किल से लेकर करणी चौक तक क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण को लेकर स्वीकृति मिली है। एएन राजेंद्र स्वामी ने बताया कि पीलीबंगा के संदर्भ में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण के मसले पर स्वीकृति मिली। एएन ने बताया कि तिलक सर्किल से लेकर करणी चौक तक निर्माण कार्य पर करीबन 1,49,00,000 की लागत आएगी। इस संबंध में जल्द ही टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे बरसात के दिनों में पानी के ठहराव से निजात मिलेगी, साथ ही शहर का सौंदर्यकरण बढ़ेगा। सीएमसी की बैठक हुई है, जो आईडीएसएमटी के तहत जो कार्य होते हैं उसकी सिटी मॉनिटरिंग कमेटी के इसकी निगरानी रखती है, जिसके अध्यक्ष जो कलेक्टर हैं, तो उसकी एक मीटिंग हुई पीलीबंगा के संबंध में थी। वो तो उसी के अंदर है जो हनुमानगढ़ नगर परिषद की तिलक सर्कल से करणी चौक तक जी जो रोड है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त रोड है, तो सभापति महोदय का निर्देश था कि इस रोड को भी है जो इसमें अपने आईडीएसएमटी में लेकर के इसे करवाया गए एस्टीमेट है, तो उसमें सीएमसी ने उसको स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रोसीडिंग आनी अभी बाकी है। जैसे ही ये रोड बनेगी तो एक तो इस रोड पे पानी काफ़ी भरता है, उससे आवागमन में बाधा रहती है, तो उससे छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात सौंदर्यकरण में भी आएगी कि रोड बढ़िया रोड बन गई है, इससे लाभ होगा, जनता को आवागमन में फायदा होगा। एक रोड 49,00,000 की लागत। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नेहरू युवा केंद्र की ओर से राजीव गांधी स्टेडियम के सभागार में लगाया गया युवा संसद। इसमें जिला परिषद के सीईओ नक्तनदान बारट ने भी शिरकत की। उन्होंने योग को जीवन के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम का संयोजन दलीप वर्मा ने किया। राजीव गांधी स्टेडियम के सभागार में हुआ युवा संसद का आयोजन। मुख्य अतिथि थे जिला परिषद के सीईओ नक्तनदान बारट। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजस्थान आर्थिक परिषद के अध्यक्ष डॉ. संतोष राज पुरोहित और पत्रकार गोपाल झा शामिल हुए। पतंजलि योगपीठ के गोविंद जांगिड ने युवाओं और बच्चों को योगाभ्यास करवाया। संयोजक दिलीप वर्मा के मुताबिक देश भर में ब्लॉक स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत हनुमानगढ़ में यह आयोजन किया गया है। इसमें देवेंद्र पुनिया, आनंद पुनिया और ओम प्रकाश आदि का बखूबी सहयोग रहा। इसको 3 से 5 बार ही करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा लिया तो पेट में दर्द होने लग जाता। राजस्थान आर्थिक परिषद के अध्यक्ष डॉ. संतोष राज पुरोहित ने युवाओं से कहा कि वे परिवार के संस्कारों की अनदेखी न करें। जीवन में बुजुर्गों के अनुभवों का बड़ा महत्व है। उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि सफलता के लिए यह जरूरी है। कई बार टेक्नोलॉजी फ्रेंड, टेक्निक फ्रेंड जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको देखने ज़्यादा कुछ नहीं आता।
दादी को कुछ नहीं आता, नानी आना परीक्षा नहीं करवाना चाहते थे दोस्तों से, और तो कई बार माता पिता का पढ़ लिखे हैं उनका परीक्षा की प्रॉब्लम से हुई है। क्यों हम इंटरनेट चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मम्मी पापा खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं, उनका जो अनुभव है उनकी सीख है, अगर उसको इस टेक्नोलॉजी के साथ आप लेकर चले तो विकास के मार्ग पर। पतंजलि योगपीठ के प्रशिक्षक गोविंद जांगिड़ के मुताबिक उन्होंने बच्चों को योगासन करवाए और उसका महत्व बताया। योग को अपनाने से होने वाले लाभों के बारे में बताया। जांगिड़ के मुताबिक योग के माध्यम से सामंजस्य और शांति हासिल होती है। युवा केंद्र की तरफ से ये शिविर था और शिविर के अंदर हमने एक घंटे का योग सत्र भी रखा और इसके अंदर हमने जो स्वामी रामदेव जी के अनुसार बनाए गए 12 आसन, 8 प्राणायाम और योगिंग जॉगिंग जो आम व्यक्ति करके स्वस्थ रह सके इसके लिए हमने करवाए थे यहाँ पे। तो मैं पतंजलि के अंदर रहता हूँ और पतंजलि का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैंने जो कुछ वहाँ पे सीखा वो सब यहाँ पे मैंने करवाया बच्चों को। ये बच्चे ज़्यादातर क्या हैं कि खेल के खिलाड़ी हैं जहाँ, तो खिलाड़ी के लिए एकाग्रता अहम बात होती है और अनुशासन एक अहम बात होती है, तो उसके लिए योग बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, तो इसलिए उनको योग के बारे में उनकी उसकी बारीकियाँ, छोटी मोटी बारीकियाँ, कैसे योग किया जाए, योग क्यों करना चाहिए और इस योग के करने से इनके खेलने की एक्टिविटी कैसे इम्प्रूव होगी उसके लिए हमने सर ये किया। रहमत और अजमत वाला पाक महीना रमजान शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। गुरुवार शाम रमजान के महीने का चांद दिखाई दिया। इसके साथ ही ईशा के बाद तरावी की नमाज अदा कर शुक्रवार से रोजे रखे जाएंगे। खुदा की रहमत और अजमतों वाला महीना रमजान चांद दिखाई देने के साथ ही शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। ईशा के बाद तरावी की नमाज अदा की गई। मुस्लिम परिवारों में रमजान को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। फरमाया गया है कि रमजान के महीने में जितनी खुदा की इबादत करो उतनी कम है। रमजान के दौरान ज्यादा से ज्यादा सदका और जकात अदा करनी चाहिए। फरमाया गया है कि रमजान के महीने में खुदा एक नेकी के बदले 70 नेकियों का सवाब अदा करते हैं। लोको मदीना मस्जिद के इमाम चिराग आलम रिजवी ने बताया कि सिर्फ भूखा रहना ही रोजा नहीं है बल्कि आंख, कान, नाक, हर अंग का रोजा होता है, इसलिए रोजा रखकर नेक काम करने चाहिए। उन्होंने सभी मुसलमानों से रमजान के महीने की बरकत के साथ भाईचारा बनाए रखने की बात कही। रमजान खैर और बरकत वाला महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस माह की एक रात हज़ार महीनों से अफजल है। रोज़ा की बहुत ही बड़ी फजीलत है। सहरी ताखीर करना और इफ्तार में जल्द करना, नमाज मगरिब से पहले करना सुन्नत है। रोज़ा में बिला उज्र किसी चीज़ का चखना, खाना, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाने में मबालगा नहीं, और देर तक पानी से मुंह भरा रखना ये सब मकरूह है। बाकी रोज़े में ज़कात, खैरात, सदक़ात करना वाजिब है और सुबह से शाम तक रोज़ा सिर्फ भूखा रहने से रोज़ा नहीं होता है। इसमें गीबत, चुगली वगैरह जैसे चीज़ भी करना बिल्कुल, मुँह का रोज़ा, आँख का रोज़ा, हाथ पैर सब चीज़ का रोज़ा होता है। जंक्शन के वार्ड 45 सुरेशिया में उत्थान क्लासेस का उद्घाटन हुआ। भाजपा नेता अमित साहू ने फीता काटकर क्लासेस का शुभारंभ किया। सुरेशिया में उत्थान क्लासेस का विधिवत शुभारंभ किया गया। उत्थान क्लासेस पर पटवारी, राजस्थान पुलिस, महिला सुपरवाइजर आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा करवाई जाएगी। उत्थान क्लासेस हमने सुरेशिया वार्ड नंबर 45 में शुरू की है। इसकी एक ही वजह थी कि सभी क्लासेस या तो बाजार में हैं या दूर दराज के क्षेत्र में हैं,
इस क्लासेस को शुरू करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही था कि आज बच्चियों के साथ बड़ी समस्या है कि वो दूर रात को नहीं जा सकती। हमने सुरक्षा क्षेत्र में ये क्लासेस इसलिए शुरू करी हैं कि बच्चियाँ खुलकर क्लासेस ज्वाइन कर सकें, नौकरी में जा सकें, और लगभग जो नौकरियां बच्चे ले रहे हैं हमारी सुरक्षा क्षेत्र के लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं उनको भी और बहुत अधिक बढ़ाया जा सके। तो हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को अधिक से नौकरी लगाएं और उन्हें कामयाब करें। हम यहाँ पर बेसिकली कंपटीशन क्लासेस चालू कर रहे हैं नौकरी से, एसएससी पटवारी की, महिला पर्यवेक्षक की, और पुलिस से संबंधित जो भी वैकेंसीज होगी उनकी तैयारी कराई जाएगी। और हमारे पास जो फैकल्टी है बहुत ही उच्च शिक्षित वर्ग फैकल्टी है हमारे पास, जो पूर्ण निष्ठा के साथ ये कार्य करेगी और भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ये हमारा विश्वास। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।